Hello everyone, welcome to the channel Your Tech Doc. My name is Pulkit and this is going to be my first YouTube video. So dosto, apna pyar dikhaye, like, share, subscribe and hit the bell icon to get more such videos on the channel. So friends, ye video hum bana rahe hain Marshall Emberton speaker ke liye. Main speaker ko almost 3 mahine se use kar raha hoon and trust me, it is one of the best portable Bluetooth speaker in this price range. इन इंडियन मार्केट ये आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे 13,500 से लेकर 14,500 के बजट में मिल जाएगा. आई हैव माई सेल्फ परचेज इट फ्रॉम अमेज़ोन. द MRP ऑन द बॉक्स सेज 17,500. हालांकि मैंने ये सेल पे लिया था एट अराउंड 13,500 रुपीज़. मैं अभी आपको इसकी एक अनबॉक्स वीडियो दिखाऊंगा, इसके रिव्यू शेयर करूंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूंगा, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द बॉक्स वुड लुक लाइक. इस बॉक्स के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे एस्टैब्लिश 1962. एज वी ऑल नो, दिस इज़ द मेन थीम ऑन एनी मार्शल स्पीकर. जब आप उसको खोलेंगे, खोलते ही सबसे पहले आपको मिलेगा एक टाइप सी चार्जिंग केबल, द मार्शल स्पीकर, सम मैनुअल्स and the warranty card, etc. ये स्पीकर चार कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्रास, ब्लैक, फॉरेस्ट ग्रीन एंड क्रीम कलर. सो सबसे पहले इस स्पीकर की अगर मैं बात करूं, तो जो बेस्ट पार्ट है इसकी वो है लुक्स. इसे देख के ही आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन स्पीकर है. ब्रास कलर का इसका लोगो है जो आप देख रहे हैं, शाइन कर रहा है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके फीचर्स हैं जो आपको बता देता हूँ, जो वी कैन रीड इट फ्रॉम द स्पीकर. 20 आवर्स प्लस बैटरी बैकअप, सिग्नेचर मार्शल साउंड, IPX7 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, मल्टी डायरेक्शनल कंट्रोल नॉब एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विच आई गेस इज 5.0. इस तरीके से कुछ आपको इसका बॉक्स मिलेगा. स्पीकर को ऑन करने का बहुत सा सिंपल सा तरीका है, जो इसका यूनिडायरेक्शनल नॉब है, इसे आप 3 सेकंड के लिए क्लिक करेंगे एंड इट विल ओपन. लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी देयर इज अ रेड कलर पावर आइकॉन विच विल आल्सो एक्ट एज अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन. राइट हैंड साइड में आपको बैटरी स्टेटस मिलता है जो आपको बैटरी परसेंटेज का आइडिया दे देता है. देन दिस मल्टी डायरेक्शनल नॉब कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम. सिमिलरली ये आपका राइट में आप नेक्स्ट सॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट में प्रीवियस साउंड चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऊपर इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत सॉफ्ट एंड वेलवेटी है, काइंड ऑफ लेदर टच है. एंड नीचे यू विल सी ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ मैंशनड अबाउट द स्पीकर. बहुत ही फर्म है, नीचे से आप इसे एक बार रख देंगे तो ये स्पीकर कहीं हिलने वाला नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. सो गाइस, मैं आपको आज इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर द स्पीकर इज सुटेबल फॉर यू और नॉट. सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट प्रो है इसका, वो है फास्ट चार्ज, विच मीन्स 20 मिनट्स को इसको चार्ज करने के बाद आप इसे 5 घंटे तक लगातार प्ले कर सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर, IPX7 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये शॉक रेजिस्टेंस भी है, डस्ट रेजिस्टेंस भी है एंड इवन वाटर प्रूफ भी है. आप इसे 1 मीटर तक की डेप्थ में इसको पानी में डाल सकते हैं फॉर 30 मिनट्स एंड ये स्पीकर ख़राब नहीं होगा. हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे ना लेके जाए, बट ऑब्वियसली बाथरूम में या अपना रेन में अगर इस स्पीकर को आप साथ लेके चलाना चाहते हैं देन इट इज़ टोटली सेफ टू डू दैट. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इससे आप एक साथ 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन्स हो या 1 मोबाइल फ़ोन और 1 कंप्यूटर हो या आईपैड हो, आप इसमें एक साथ 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ प्रो है इसका ऑटो कनेक्शन, यानी कि एक बार आपने इसको कनेक्ट करके रख दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इसका पावर बटन ऑन करना है एंड ऑटोमेटिकली इट विल गेट कनेक्टेड. ओके गाइज, अगर इसके साउंड सिग्नेचर की बात करें तो अगर आप मार्शल को जानते हैं तो वही सेम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड जो मार्शल का सिग्नेचर साउंड है वो आपको मिलेगा. बेस रहेगा बट नॉट
एज बूस्टी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं JBL के थ्रू, बट वेरी डिसेंट बेस. आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड लव द साउंड ऑफ द स्पीकर. एक इसका और पॉजिटिव पॉइंट है जो शायद मैं बताना भूल गया, विच इज़ ओके. द फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट इज इट्स द मल्टी डायरेक्शनल साउंड, जो इसका 360 डिग्री साउंड सिग्नेचर है. यानी कि अगर मैं कमरे के किसी भी कोने में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर मुझे एक जैसा साउंड सुनाई देगा. ये इसका एक और प्रो है. कमिंग टू द कॉन्स ऑफ द स्पीकर, अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ, तो सबसे पहला जो एक फीचर है जो इसके अंदर होना चाहिए था, जो आजकल के सारे बड़े स्पीकर्स और इंपॉर्टेंट ब्रांड्स में आ रहे हैं, वो है ऐप सपोर्ट. इस स्पीकर के अंदर कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं है. आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्पीकर्स हैं, बट मैं इन दोनों स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करके एक लेफ्ट एंड राइट स्टीरियो सिस्टम नहीं बना सकता हूँ, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन ऑफ द स्पीकर. थर्ड कॉन, आई डोंट थिंक इसमें और कोई कॉन बचा है, बट आई वुड से जो मेरे को कंपैरिजन है, जो मैंने एक्चुअल यूजेज में देखा है, द कंपनी क्लेम्स कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो 20+ आवर्स ऑफ पोर्टेबल प्ले टाइम लिखा हुआ है, बट जो एक्चुअल इसका प्ले टाइम है, इट इज़ नॉट मोर देन 10 आवर्स अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो. हाँ, अगर आप 50-60% वॉल्यूम पे सुनते हैं, तब भी ये मुश्किल से 15 घंटे तक आपको अच्छा सा प्ले टाइम दे देगा. बट एज आई मैंशन, इसके अंदर फास्ट चार्ज कैपेबिलिटी है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आप इसे 20 मिनट चार्ज करें और 5 घंटे तक इसे अनदर यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. इसमें मैं आपको इस स्पीकर का एक्चुअल साउंड सुनाऊंगा. एंड आई हैव इन्वेस्टेड ऑन अ बाइनोरल ऑडियो सिस्टम, जिसमें आप एक्चुअल साउंड फील कर पाएंगे अगर आपके पास कुछ अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स हैं. जस्ट वेयर हेडफोन्स एंड लिसन टू द साउंड एंड कंपेयर. हियर यू गो. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. तो अगर मैं अपने फाइनल रिव्यूज बोलूंगा, तो आई लव द स्पीकर हैंड्स डाउन. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर दैट आई हैव यूज्ड इन दिस प्राइस रेंज. और ब्रांड्स लाइक बोस, JBL भी इसके मुकाबले में ला सकते हैं, बट मेरा मानना है कि ये उसकी रैंकिंग में पहले 3 नंबरों में आएगा. मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको इनके कंपैरिजंस दिखाऊंगा विद बोस, विद JBL एंड अदर ब्रांड्स आल्सो इन दिस प्राइस रेंज, एंड कुछ रैंकिंग वाली वीडियोस भी लाऊंगा. सो आप लोगों का प्यार अगर मुझे मिलता रहा, तो आई एम श्योर आई वुड बी एबल टू शो यू मैनी अदर टेक्निकल गैजेट्स विच आई हैव बॉट फ्रॉम अब्रॉड, विच आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द कंट्री. तो मैं आपके सामने वो वीडियोज़ पेश करूँगा, पर ये मेरा पहला वीडियो है. हो सकता है इसमें कुछ मेरे से गलतियाँ रह गई हो, कुछ मिस आउट कर गया हो, तो आप उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करके अपना प्यार बनाए रखें. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.